नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों इस समय काफी मुझे मैसेज देखने को मिल रहे हैं, काफी भाई पूछ रहे हैं कि भाई अब गर्मियों में जो है वो नमक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए बर्ड्स के पिंजरे में, और नमक रखना चाहिए तो कौन सा नमक रखें, काला नमक रखें या पिंक वाला नमक रखें जिसको हिमालयन रॉक सॉल्ट या फिर लाहौरी नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, तो रखें तो कौन सा नमक रखें और गर्मियों में नमक रखना भी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गर्मियों में हमें कौन सा नमक रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए और क्या क्या फायदे इससे हमारे बर्ड्स को मिल सकते हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम मई माह में एंटर कर चुके हैं। मई और जून में बहुत तेज गर्मी होती है और इस गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड्स मुंह खोलकर हांफते रहते हैं, परों को खोलकर बैठते हैं, गर्मी से बेहाल रहते हैं। काफी सारे भाई अपने बर्ड्स की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, गर्मी से बचाने के लिए कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके बर्ड्स जो है काफी हद तक हांफना बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कूलर ऑफ होता है बर्ड्स की वही एक्टिविटी शुरू हो जाती है और ज्यादातर हमारे भाइयों के पास टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद भी हमारे बर्ड्स जो है वो गर्मी से हाल बेहाल रहता है और मुंह खोलकर जब हमारे बर्ड्स हांफते हैं तो बर्ड्स में बहुत तरह की कमी हमें देखने को मिलती है। बर्ड्स में बर्ड्स जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और काफी तरह की प्रॉब्लम्स हमें गर्मियों में देखने को मिलती है, लूज मोशन भी होने लगता है, बर्ड्स सूखे में आ जाते हैं। तो हमें अच्छी डाइट के अलावा, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के अलावा भी ऊपर से बहुत कुछ हमारे बर्ड्स को देना होता है, जिसमें इलेक्ट्रोल पाउडर भी हम ऐड करते हैं गर्मियों में, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे मिनरल्स जो है वो इलेक्ट्रोल पाउडर में होते हैं और उसके बाद आती है बारी नमक की। नमक में भी काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब सभी मिनरल्स के मैं नाम नहीं ले सकता, उनके फ़ायदे में नहीं बता सकाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। काफी सारे भाई इस गर्मी के मौसम में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई नमक तो रखना है लेकिन नमक कौन सा रखें, गर्मियों में कहीं नमक नुकसान तो नहीं दे देगा, काला नमक रखें या पिंक वाला नमक रखें। तो दोस्तों देखो, दोनों ही जो नमक है, काला नमक और जो लाहौरी नमक, हिमालय नमक, जो रॉक सॉल्ट होता है, उन दोनों में ही सेम ही जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो भाई हमारे बर्ड्स पालते हैं वो पिंक जो सॉल्ट होता है, हिमालय नमक, लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं और हम इंसानों में भी उसी को खाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। रही बात काले नमक की, तो आप चाहें तो वो भी अपने बर्ड्स के पिंजरे में रख सकते हैं, वो भी काफ़ी सारे भाई जो है वो मैंने देखा है कि रखते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो हिमालयन जो नमक है पिंक वाला, उसी का ही रखा है। मैं भी अपने बर्ड्स को वही देता था और आज भी मैं जो है वो रखने वाला हूँ, अभी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो मैंने भी आज ही रखा है, काफ़ी समय हो गया मैंने नहीं रखा था तो अब मैं कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा काफ़ी सारा के मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं जो कि खासकर गर्मियों में हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम कितनी भी अच्छे से केयर कर लें, क्योंकि गर्मियों में हमारे बर्ड्स में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं नमक जो है वो उन कमियों को पूरी कर देता है। तो आप वो नमक ज़रूर रखें, चाहे कोई भी नमक रखें, और मैं यही कहूंगा कि आप जो पिंक वाला नमक रखें वो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी वो नहीं मिल रहा है तो आप काला नमक भी रख सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा, डाइजेस्ट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि इससे हमारे बर्ड्स का डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मियों में कहीं ना कहीं इनका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है। काफ़ी सारे हम फूड देते हैं, कुछ बर्ड्स जो है वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो नमक की को खाने के बाद कहीं ना कहीं इनका डाइजेस्ट सिस्टम भी जो है वो अच्छा हो जाएगा, जो कि इनकी हेल्थ के लिए गर्मियों के मौसम में बहुत ज़रूरी है। तो नमक आप दोनों ही रख सकते हैं, फिर से कहूँगा मैं जो है वो पिंक वाला नमक का ही इस्तेमाल करता हूँ, वो ज़्यादा मुझे ठीक लगता है, उसका मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बाकी वो मैंने नमक यूज़ नहीं किया है तो उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैंने देखा काफ़ी सारे भाई इस्तेमाल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, तभी वो रखते हैं, तो आप भी रख सकते हैं चाहे तो। अब वो कौन से मौसम में हमें नमक बर्ड्स के पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, देखिए बरसात का जब मौसम आता है
या जो है वो हब्स बनना शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी लेवल काफी जब बढ़ जाता है, तो उस दौरान हमें अपने बर्ड्स के पिंजरे से नमक को हटा देना चाहिए, क्योंकि उस दौरान नमक जो है वो पानी छोड़ने लग जाता है। आप देखेंगे कि नमक जो है बिल्कुल गीला गीला सा हो जाएगा, पानी छोड़ने लग जाएगा, तो उस समय हटा देना चाहिए। अगर उस समय भी हम रखा रहने देंगे तो बर्ड्स उसको खाएंगे, उसको ज्यादा जो है वो चाटेंगे, स्वाद उनको अच्छा लगेगा, वो पानी ज्यादा निकलेगा, तो उससे लूज मोशन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो खासकर बरसात के मौसम में आप जो है वो इनके पिंजरे से नमक को हटा दें। बाकी आप जो है वो अपने बर्ड्स की बहुत अच्छे से केयर कीजिए, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए, अच्छी डाइट दीजिए, और जो है वो इलेक्ट्रोल पाउडर ORS ये भी टाइम टू टाइम अपने बर्ड्स को देते रहें। इनके पिंजरे में जो भी हम सारी चीज़ें रखते हैं वो भी सारी रखा रहने दें, और नमक नहीं रखते हैं तो नमक को ऐड ज़रूर कर दें। आप ये ना सोचें कि हमारे बर्ड्स नहीं खा रहे हैं, वो बिल्कुल खाएंगे, रखा रहने दें आप, बस ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल वो खाना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह से वो कैल्शियम ब्लॉक कटल फिश बोन खाते हैं, उसी तरीके से उस पर भी वो चोंच मारना शुरू कर देंगे। और एक और मैं फ़ायदा बता दूं, एक और फ़ायदा नमक का मेरे दिमाग में आ गया कि बर्ड जब हमारे नमक खाने को जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ये मिलता है कि बर्ड्स अपनी चोंच से, कुछ बर्ड्स उसे खाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो उसे खा तो नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते, लेकिन जब उनकी ज़ुबान उस पर टच करती है तो फिर वो उनका टेस्ट लेने के लिए ही वो उसे खाते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स खाने की कोशिश करते हैं, चोंच मारते हैं, तो उससे उनकी चोंच की भी एक्सरसाइज होती है और चोंच जो है वो नहीं बढ़ती है, तो ये भी एक फ़ायदा है। बाकी वो खा लेंगे, आप खाने की टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।